खबर है मिर्जापुर से, मैं हूं जया अवस्थी, आप देख रहे हैं सिग्मा न्यूज। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया था। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अरोरा एसओजी सर्विलांस व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना अरोरा क्षेत्र के स्वीकृत बौद्धक ग्राम हिनौता छातों के पास से कंटेनर ट्रक में लदी हुई कुल 930 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब विस्की ब्रांड बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना अरोरा ब्रिजेश सिंह, उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह प्रभारी एसओजी, उप निरीक्षक मानवेद सिंह प्रभारी सर्विलांस में पुलिस टीम शामिल रही। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा 25,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नगर संवाददाता टीपू सुल्तान के साथ सिग्मा न्यूज के ब्यूरो चीफ निसार अहमद की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हम लोग लगातार अवैध शराब में डील करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अपने जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं, उनमें हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। इसी अभियान के क्रम में हम लोगों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें थाना अरोरा की टीम, जनपद की एसओजी टीम और आबकारी विभाग, इनके संयुक्त कार्रवाई द्वारा एक ट्रक जिसमें कि अवैध शराब जो कि हिमाचल प्रदेश के पोंटा जिले से निकली थी और झारखंड के गढ़वा जिला में जाने वाली थी, इसको हम लोगों ने पकड़ा है। टोटल इस ट्रक में 930 पेटी शराब थी और लगभग 11,160 बोतलें उसमें शराब थी, वो विस्की की बॉटल्स थी, जिसको हम लोगों ने पकड़ा और उसके बाद फिर इसमें अभियुक्त जो था उसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। और इस टोटल शराब की, जो अवैध शराब है, इसकी टोटल अनुमानित वैल्यू जो है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। और इस तरह से हम लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है और इसमें जहाँ से ये शराब आ रही थी, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है और कौन कौन लोग हैं इसको पास कराने में, गाड़ी के मालिक कौन है और जहाँ पर ये जाने वाली थी, जहाँ पर इसकी खपत होने वाली थी, वो लोग कौन है, इन सभी चीज़ों को विवेचना में डेवलप किया जा रहा है। उन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे गैंग का हम लोग जो है उसका भंडाफोड़ करेंगे।